नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो टिक्स ही टिक्स है। टिक्स से ना केवल आपके डॉग को प्रॉब्लम हो सकता है बल्कि आदमी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि बहुत ही कम रुपये में आप अपने डॉग से सारा टिक्स कैसे निकाल सकते हो। हेलो गाइस, ये है नेरोमैक इंजेक्शन। इसके जो सॉल्ट है वो है आइवरमेक्टिन और इसकी डोजेज है पर 50 kg। कैमल मतलब हमारी जूली का वेट है 15 kg, तो इसका बॉडी वेट हो तो इसकी डोजेज बनेगी 0.3 ml। तो हम इसे खोल के दिखाते हैं आपको कैसा होता है अंदर से। और ये वायल भी हमने फ्रिज में रखा होता इसलिए हम इसे लगा रहे हैं। और ये आपको ठंडे टाइम में लगाना है, मतलब शाम को या सुबह। ये इंजेक्शन है। तो गाइस, आपको इसकी डोजेज याद रखनी इंजेक्शन की। ये रखता है पर 50 kg 1 ml। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस इंजेक्शन को लोड कैसे करते हैं और मतलब इसे लगाते कैसे। सबसे पहले आपको इसके ऊपर जो एक ग्रीन कलर की प्लास्टिक सील दी होगी, इसे तोड़ना होगा। भाई इसका इंजेक्शन भी इसके साथ ही आता है, 3 ml का इंजेक्शन और एक निडल आती है। इसका आपको इंजेक्शन बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार में लगा देते हो तो। अगर आप इसे दो बार करते हो तो आप इसे अलग अलग निडल यूज़ करनी होगी आपको। और इसको हम डिवॉर्मर की तरह भी यूज़ करते हैं, ये एक डिवॉर्मर ही होता है। तो हम देखते हैं अब इसे लगाते कैसे हैं। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, वरना ये हमारे पेट के अंदर जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत। किसी किसी डॉग का तो जल्दी ठीक हो जाता है मगर किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। और भाई इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, इसका रूट सबक्यूट है ना कि इंट्रामस्कुलर। अगर आप इसे इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है आपके डॉग को। तो इसे गले के पास ही लगाना चाहिए क्योंकि मोस्टली डॉग्स की स्किन जो होती है गले के पास से ढीली होती है और यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा वो होती है फीलिया और टिक्स। आपको सबसे पहले अपने कुत्ते की गले के पास की खाल उठा लेनी है ऐसे जैसे मैंने उठा रखी है। और इसमें ऐसी जगह देखनी जहाँ बाल वाल ज़्यादा ना हो, मतलब जो नो स्टे। आपको इंजेक्शन इंजेक्ट कर देना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रामस्कुलर ना जाए और आपको ये धीरे धीरे इंजेक्ट करना, मतलब एकदम प्रेशर से नहीं करना है। देख सकते हैं आप, मतलब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ और ज़्यादा प्रेशर से मत करिए। और आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी डॉग के इंट्रामस्कुलर नहीं जाना चाहिए इंजेक्शन। भाई आप लोगों को इसकी सील रख देनी है अगर आपका छोटे बेटे है, दोबारा रीडिवॉर्म करना है आपको तो। और यहाँ पे देखिए डॉग को इस इंजेक्शन से खुजली बहुत ज़्यादा होती है थोड़ी देर तक, 1 या 2 मिनट तक, इसलिए आपको सहलाते रहना जब तक ये खुजली बंद नहीं होती। भाई आपको इंजेक्शन लगाने से 2 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाने को नहीं देना डॉग। तो गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके डॉग के काम आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।